रावण का दहन क्यों किया जाता है? ये बात महेश गौहर ने कही और बताया कि 1950 के पहले रावण जलाने की कोई देश में प्रथा ही नहीं थी। एक राजनीतिक पार्टी ने विरोध के रूप में एक पुतला जलाया था, तब से ही रावण का पुतला जलाने की एक रीति सी भारत देश में शुरू कर दी गई। इसके विरोध में हमने हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है और हमारे परदेसीपुरा में आज सालों पूर्व से बनाए गए रावण के मंदिर में हर रोज तो पूजा की ही जाती है, लेकिन विजयदशमी पर बड़ी तादाद में समाज के लोग सभी वरिष्ठों के साथ नवरात्रि पर नौ कन्या रूपी बच्चियों का पैर पूजा गया और पूजा हवन कर महाआरती भी की गई। इस समय कोरोना महामारी के रहते हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस पूजन को देश की शांति और अखंडता बनी रहे इसे लेकर किया गया। एक राजनीतिक पार्टी और विशेष तौर से आरएसएस के लोगों ने एक रावण का पुतला जलाया और उस पुतले को जलाने के बाद भी पूरे देश के अंदर उनकी जो शाखा है उन्होंने फरमान भेजा भेजा करा कि हिंदुओं को एकत्रित करना है और राम की पूजा करना होगी। करना चाहिए, प्रभु श्री राम जो है विष्णु का अवतार है और अब जब प्रभु श्री राम की पूजा करना है तो रावण को जलाने का एक मकसद उन्होंने निकाला और 1950 से इस देश में रावण के पुतले का दहन होने लगा है। उसके पहले का कोई भारत में कोई भी इतिहास ऐसा नहीं है कि जहाँ इसमें लिखा हो तो रावण के पुतले का दहन होता है। इन तमाम सारी बातों को लेकर हमने हाईकोर्ट में एक वाद भी लगा रखा है, इसमें हमारे हरीश शर्मा हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, वकील साहब के माध्यम से तारीखों की तारीख चली है। अभी 19 तारीख अटॉर्नी हमारे गर्ग साहब जो हैं मजिस्ट्रेट साहब उनके पास एक प्रकरण दर्ज है और आज भी कल लोगों के जहन में आएगा कि चूंकि प्रकरण करने के दौरान रावण उन्होंने तपस्या उतारी है और उनका जलाना एक अच्छी बात नहीं है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर जिन लोगों ने रावण को जलाया है उनके घर जाके देखिए आप उनकी क्या हालत है। अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे प्रकरण पंडित और विद्वान रावण को जलाना कहाँ तक उचित है। हम विगत 40 सालों से यहाँ रावण भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, कन्याओं के पैर धो करके हम 9 दिन का व्रत रखते हैं पूरा भगवान का और आज कन्याओं के पैर धोए हैं और वही पैर धो करके पी करके हमने अपना व्रत तोड़ा है। आज के दिन हम रावण का जल इस उद्देश्य से करते हैं कि देश में अमन चैन शांति रहे, लोग खुश रहें खुशहाल रहें और आने वाला जो समय है और अच्छा उनका अच्छा हो। मैं आज प्रार्थना करके प्रभु